कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधा कृष्ण के चरणों में हमारी अनन्य शरणागति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र अनन्य आश्रय श्री राधा कृष्ण के युगल चरण ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस आश्रय में कोई भी कोताही हमें नहीं बरतनी है, हमें किसी और का आश्रय नहीं लेना है। एकमात्र विश्वास, एकमात्र बल, एकमात्र भरोसा श्री राधा कृष्ण के चरणों का ही होना चाहिए और निरंतर हमें नाम को पकड़े रहना है। इस नाम में वह सामर्थ्य है, भगवान नाम में वह सामर्थ्य है जो भगवान को हमारे साक्षात प्रकट कर सकता है। भगवान हमारे सामने आ सकते हैं, भगवत साक्षात्कार हो सकता है केवल इस नाम के प्रताप से। वहीं भगवान तो सामने आएंगे ही, उसके साथ कौन कौन चला आएगा? सब कुछ चला आएगा, जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है। परंतु प्रथम इच्छा आपकी यही होनी चाहिए कि श्री राधा कृष्ण के चरणों में अनन्य शरणागति हमारी हो। दूसरा कोई आश्रय, दूसरा कोई बल, दूसरा कोई विश्वास ना रहे, क्योंकि इनकी शरणागति ही पाकर हम उस सर्वोच्च तत्व, उस आनंद तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जो केवल इनके पास है, इनमें ही है, इनका ही स्वरूप है। हमें भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में यही प्रीति कहना है, यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। मेरी राधा, मेरी राधा, ये भाव होना चाहिए। मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, यह भाव होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका संबंध भगवान से नहीं होगा, तब तक भगवान उसका निर्वहन कैसे करेंगे? आप संबंध जोड़िए, आपकी तरफ से दो कदम चलना पड़ेगा, भगवान तो दौड़े दौड़े आएंगे। भगवान के लिए तो प्रकाश से भी तेज चाल से वो आते हैं, भगवान विलंब कभी नहीं करते। तो दो कदम आपको चलना पड़ेगा, आपको ही अपने से संबंध जोड़ना पड़ेगा कि मेरे कृष्ण हैं, मेरे प्राण प्रियतम हैं, मेरे प्यारे हैं, मैं उनके बिना नहीं जी पा रहा हूँ। क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि आपकी आसक्ति जो संसार में पहले थी, अब वो आसक्ति भगवान के चरणों में हो गई है। अब आपका प्रेम भगवान के चरणों से हो गया है, अब भगवान से मिले बिना आपको रहा नहीं जा रहा है। अतः आप रो कर पुकारोगे, आप आत्मभाव से भगवान को पुकारोगे, सच्चे हृदय से पुकारोगे, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे, भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे। जब आपके हृदय में, आपके मन में तीव्र लालसा होगी भगवान से मिलने की, जब तक इच्छा ही नहीं होगी, लालसा ही नहीं होगी, आप रोके पुकारोगे ही नहीं, तो भगवान कैसे मिलेंगे? सत्य ही एक भजन है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल नहीं पाया, जब देखा दुखियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आप को सबसे पहले तिनके से भी छोटा मानना है, अपने अभिमान को शून्य कर देना है, अपनी कामनाओं को शून्य कर देना है, अपने दम्भ, जो आप दम्भी व्यक्ति हैं, तो उस दम्भ को खत्म कर देना है, तभी कामनाओं को शून्य करते हुए भगवान की प्राप्ति की जाती है। कामना रहित जो द्वेष हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या, ऐसे जैसे बुराइयां हैं, इनको तो त्याग करना ही पड़ेगा। या काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मत्सर व्यक्ति को नरक के द्वार तक लेकर जाते हैं, नरक के अंदर पहुंचा देते हैं। अतः इन सब बुराइयों से दूर होते हुए हमें भगवान की शरणागति देनी है। इनको दूर होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपका काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मत्सर जैसी बुराइयां अपने आप ऐसे ही दूर हो जाएंगी। कैसे दूर होंगी? जब आप भगवान के नाम का सहारा लेंगे। भगवान के नाम का सहारा लेने से भगवान के नाम में प्रीति हो जाती है, सबसे बड़ा फल यही है।
नाम भगवान के नाम से प्रीति करवा देता है। जो नित्य रोज भगवान के नाम को पकड़ता है, उसका चिंतन करता है, नाम से प्रेम करता है, नाम के एक एक अक्षर में भगवान को देखता है, भगवान उस नाम के एक एक अक्षर में समाये हुए हैं। रा आ की मात्रा, धा आ की मात्रा, इस राधा नाम में, इस राधा रा आ की मात्रा, धा आ की मात्रा में मेरी किशोरी जी समाई हुई हैं, मेरे कृष्ण इस कृष्ण अक्षर में समाये हुए हैं। जो ऐसी भावना करता है वो भगवान के नाम से प्रीति कर लेता है। भगवान के नाम से प्रीति होना नाम का सबसे बड़ा फल है। सबसे बड़ा फल नाम से प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए। जिसका नाम से प्रेम हो गया वास्तव में भगवान से प्रेम हो गया उसका। और नाम हर चीज दिला सकता है। मेरे पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं कि आपकी जो भी कामना है, जो भी कामना है, भगवान मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, मेरे कृष्ण मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, और अपने भक्त के लिए वह नई सृष्टि रच सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करने वाले मेरे प्रभु ही हैं। तो ऐसे प्रभु की शरण न लेकर हम संसार की शरण क्यों लें, संसार के उन बड़े बड़े पदों में बैठे हुए व्यक्तियों की क्यों शरण लें, उनकी क्यों चापलूसी करें। हम तो भगवान की शरणागत हैं, भगवान की शरण लेंगे। अतः हमें भगवान की शरणागत होकर ही सब कार्य करने हैं। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति है। लेकिन मनुष्य भगवान की माया के प्रभाव से सब कुछ भूल गया है और शरीर के सुख में अपने जीवन को लगा दिया है। शरीर की भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने शरीर को झोंक दिया है। शरीर को जो पांचों कर्मेंद्रियां जैसे आंख से अच्छा अच्छा देखना, मुंह से अच्छा अच्छा खाना, भगवान को बिना भोग लगाए खा लेना, त्वचा से अच्छा अच्छा स्पर्श करना, नाक से अच्छा सूंघना, इस तरह के भोग में व्यक्ति पड़ा हुआ है। परंतु यह भोग कितना भोग पाएगा, उसका जीवन भी बहुत कम समय के लिए है। कब उसकी उसका शरीर छूट जाए उस व्यक्ति को खुद नहीं पता। अतः सावधान होना चाहिए हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति को प्रत्येक क्षण भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान का नाम कभी ना भूले, यह सबसे बड़ी उसकी समाधि समझिए है। वह समाधि में है अगर वह नित्य भगवान का चिंतन कर रहा है, और वह घोर मृत्यु लोक में है यदि भगवान का चिंतन छोड़कर वह भोगों में लगा हुआ है। अतः हमें इस मृत्यु लोक में, जो कि यह मृत्यु लोक है, हम सब इसे सुखालय बोल रहे हैं, भगवान इसे दुखालय बोल रहे हैं। यहाँ प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है और मरता है, कोई अमर नहीं है। इस मृत्यु लोक में मनुष्य जीवन, जो मनुष्य देह मिली है, इस देह का यही उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति कर ली जाए। इसी देह से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, किसी दूसरे देह से नहीं होती। तो हमें इस देह को सही जगह लगाना है। सही जगह कहाँ है? भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में। भगवान की कृपा होगी, कैसे होगी भगवान की कृपा? भगवान की कृपा आपके जीवन में हो रही है, आपको कैसे पता लगेगा? आपको ऐसे ही पता लगेगा जब भगवान आपके जीवन में दिव्य गुरु संत महात्मा को भेजेंगे। वो गुरु संत महात्मा स्वयं भगवान स्वरूप ही हैं, उनके वचन भगवान के ही वचन हैं। उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए, उनको सम्मान देते हुए उनकी प्रत्येक बातों को सुनना चाहिए, गंभीर रूप से सुनना चाहिए, और उनके दिए गए नाम का बहुत प्रीति पूर्वक जप करना चाहिए, क्योंकि यह नाम भगवान का नाम दिया है गुरुदेव ने। इस नाम को उन गुरुदेव ने जीवन भर जिया है, नाम को रटा है, उस नाम के प्रभाव से आज इतने बड़े संत महात्मा गुरुदेव बन गए हैं वो। यह गुरुदेव भगवत स्वरूप को जाते हैं भगवान का नाम ले लेकर। एक साधारण व्यक्ति भी भगवान का नाम ले लेकर भगवत स्वरूप हो जाता है। तो हमें इस नाम को पकड़ना है, गुरु वचनों पर चलना है, उनकी वचनों का पालन करना है, तो भगवान की कृपा हमें ऐसे मिलती है। और भगवान जब अहेतु कृपा करते हैं तो स्वयं भक्त से मिलने आते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ऐसे जो दिव्य संत महात्मा इस समय भी हैं, पिछले वर्ष भी थे और उससे पिछले भी थे, उन सबको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। जो वास्तव में भगवान से प्रेम किया है, जिन्होंने भगवान को पुकारा है, जो भगवान से मिलने की चाह रखता है, उनको भगवान ने साक्षात्कार दिया है,
और नित्य दिया है, उनसे बात करते हैं, उनसे लाल लाते हैं। हमारी चाह भी कम है, हम भगवान को ना चाहकर भगवान से कुछ वस्तुओं की पूर्ति की चाह रखते हैं। भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरा वो कर दो, भगवान किसी वस्तु की पूर्ति के लिए, भगवान केवल आनंद के स्वरूप हैं। भगवान से यह सब संसार की वस्तु मांग कर क्या कर लोगे, कितना जीवन जी लोगे, यह जीवन तो कुछ समय के लिए है। अतः हमें इस कुछ समय के जीवन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। प्रेमा भक्ति पंचम पुरुषार्थ कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह चार पुरुषार्थ मनुष्य के हैं। इसमें पंचम पुरुषार्थ बहुत दुर्लभ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान से प्रेम करने वाले भक्तों को प्राप्त होता है, जो भगवान से दिव्य प्रेम करते हैं। प्रेम का अर्थ अपनी किसी इच्छा, अपनी किसी कामना की पूर्ति नहीं, अपितु अपने श्री कृष्ण से ज्यादा कृष्ण के सुख में अपने को लगा देना, प्रत्येक चेष्टा अपनी भगवान श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए करना। भगवान कैसे सुखी होते हैं? भगवान ऐसे ही सुखी होते हैं कि भगवान का नित्य प्रतिपल चिंतन किया जाए, भगवान का नाम जाप किया जाए, भगवान का को पुकारा जाए, रो के पुकारा जाए। हम यह जान नहीं पाते कि हम क्या साधन बल से भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, अपने साधन बल से, अपने नाम जाप बल से नहीं। भगवान को हम अपने साधन बल से, अपने शरीर के बल से, अपने धन बल से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भगवान को तो प्राप्त किया जा सकता है केवल भगवान की कृपा से। भगवान जब कृपा करेंगे तो खुद ही वह साक्षात्कार देंगे, खुद ही हमें हमारे हो जाएंगे। परंतु हमें तो दो कदम चलना ही है। सबसे पहले हमने बात यही बोली है, आपको दो कदम चलना है, भगवान की तरफ पढ़ना है, भगवान से कहना कि मैं आता हूँ और आप मेरे हो, इतना कहना है ही पड़ेगा और नित्य कहना पड़ेगा। जीवन के अंत समय तक शरणागति आपको बोलनी ही पड़ेगी। आज आप शुरू करें हैं, आज आपने कहा कि भगवान मैं आपकी शरणागत हूँ, आज से लेकर हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करिए कि मैं आपका हूँ प्रभु, आपकी शरण में हूँ, मेरा सब कुछ करने वाले तुम ही हो, मेरे मन को अपने चरणों में लगाओ प्रभु, मेरे इस बेभाव को खत्म करके उस वास्तविक स्वरूप में मुझे पहुंचा दो जिसे मैं चाहता हूँ, जिसका वास्तविक मैं अधिकारी हूँ। मैं आपकी सेवा चाहता हूँ प्रभु, प्रभु मैं आपकी सेवा चाहता हूँ, आपको किस तरह मैं प्रसन्न कर सकूँ, आपको मैं खुश कर सकूँ, बस मैं यही चाहता हूँ, बस आप प्रसन्न हो, मेरी हर चेष्टा आपको प्रसन्न करने के लिए हो प्रभु, यही कर दो, मेरा यही स्वरूप बना दो कि हर चेष्टा मेरी आपको प्रसन्न करने के लिए हो। आप मेरी हर चेष्टाएं आपके लिए हो, मैं कुछ अपनी सुख की इच्छा ना रखूं, मेरा कुछ चाह ना रहे, आपकी चाह में मेरी चाह हो। इस तरह की भावना प्रेमा भक्ति वाले पंचम पुरुषार्थ वाले भक्त करता है। और यह भक्त, इस श्रेणी का जो भक्त होता है, वो मोक्ष पद को भी लात मार देता है, क्योंकि मोक्ष पद में भगवान के दर्शन, भगवान के सुख की इच्छा नहीं होती और भगवान के सुख के लिए कार्य भी नहीं कर पाता, वो तो केवल मुक्त हो जाता है। अतः मुक्ति को भी लात मारने वाले ऐसे दिव्य प्रेमा भक्त हमें नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये दुर्लभ होते हैं, ये अपनी बात कभी बताते नहीं है, या अंतर्मुखी होते हैं, या मन ही मन भगवान की सेवा करते हैं, अंतर्मुख से भगवान से बात करते हैं, एकांत बात चाहते हैं वो। और जो बाहरी दंभ करते हैं वो तो दंभी ही हैं, उनकी बात पर कौन विश्वास कर सकता है? आज इन्हीं ऐसे लोगों की वजह से वास्तविक समाज दूषित हो रहा है, उन पर कलंक लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कलंक लगाने वाले लगाएंगे, लेकिन वास्तविक संत अपने भगवान की प्रीति में लगे हुए हैं, उन्हें इस तरह का अनादर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि वो भगवान में विलीन हो चुके हैं, भगवत स्वरूप हो चुके हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उन्हें बाहरी बातों से कोई मतलब नहीं है। कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, देश में क्या हो रहा है, नहीं, उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण को सुखी देखने की पूरी कामना होती है और अपनी इसी कामना को, इसी क्रिया को पूरा करते रहते हैं। अपने चिंतन के माध्यम से भगवान में विलीन होकर, भगवान की हर लीला में सम्मिलित होकर वह इस क्रिया को करते हैं। अतः ऐसे दिव्य संत महात्मा अगर कृपा दृष्टि करके हमें कुछ वचन का कह रहे हैं तो उसे हमें सुनना चाहिए। वृंदावन में ऐसे दिव्य संत महात्मा भी हैं
जो भगवान का नित्य चिंतन भी करते हैं और जन कल्याण के लिए कुछ सत्संग भी करते हैं, कुछ उपदेश भी देते हैं। हमें ऐसे उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। बहुत ही गूढ़ बातें होती हैं उनकी, एक एक बातें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम दिलाने वाली होती हैं। ऐसा उनका सानिध्य होता है कि उनके पास बैठने से स्वतः ही भगवान में प्रेम हो जाता है, भगवान के नाम में प्रेम हो जाता है, भगवान से मिलने की इच्छा जाहिर हो जाती है। ऐसा संदेव संत महात्मा बहुत कृपा से, भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। अतः हमें भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में ही प्रीत करनी चाहिए। क्यों राधा कृष्ण के चरणों में प्रीत करनी चाहिए? क्योंकि सबसे बड़े प्रभु मेरे श्री कृष्ण ही हैं, वही कई सभी रूपों में व्याप्त हैं। चाहे आप मनुष्य योनि में देखो वही श्री कृष्ण ही हैं, चाहे वह पेड़ पौधों में देखो वही श्री कृष्ण हैं, चाहे जीव जंतुओं में देखो वही श्री कृष्ण हैं, चाहे यह देवी देवताओं देखो, चाहे यह शिव देखो, महेश देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश देखो, सब भगवान के ही अंश से प्रकट हुए हैं। तो परम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ही सभी रूपों में व्याप्त हैं, सब जगह भगवान का ही वास है, सब भगवान में ही हैं। अतः हमें किसी की निंदा न करते हुए हमें केवल हर प्राणी में, हर व्यक्ति में, हर पेड़ पौधे में भगवान का ही चिंतन करना चाहिए कि भगवान इस जगह है, इस जगह, इस जगह, हर जगह मेरे कृष्ण है। अतः हर जगह जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ हर जगह प्रेम होता है। वह भक्त हर जगह प्रेम ही प्रेम देखता है। वह कभी किसी से घृणा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, लोभ नहीं करता, लालच नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि मेरे प्रभु मुझे सब कुछ देने वाले हैं, मेरा ही सब कुछ है, क्योंकि भगवान मेरे हैं, यह संसार मेरा है। कैसे? क्योंकि यह सब संसार भगवान श्री कृष्ण का है, कृष्णमय संसार है। जब कृष्ण मेरे हैं तो यह संसार मेरा है, तो मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। भगवान मेरा योगक्षेम तो कर ही रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। अगर मेरी कोई इच्छा भी है वह भी मेरे प्रभु पूरी कर देंगे, कर भी देते हैं। सकाम भक्तों की हर इच्छा भगवान पूरी करते हैं। आप भक्त नरसिंह मेहता का चरित्र देख लीजिए। नरसिंह मेहता के चरित्र में नरसिंह मेहता केवल भगवान का भजन में लीन रहते थे, भगवान का नाम जाप करते थे, नित्य प्रतिपल भगवान का चिंतन करते थे। नरसिंह मेहता के जीवन में जो भी समस्याएं आई, जो भी उनकी आवश्यकता हुई, भगवान ने उनकी पूरी की। लड़के की शादी करवा दी धूमधाम से, बहुत बड़े घर में लड़की की शादी हुई। उसके बाद लड़की की शादी में जो भी व्यवस्था होती थी, लड़की की शादी के बाद की जो परंपराएं होती थी वह भी हुई। पत्नी मर गई थी, उसका 13वें संस्कार में बहुत बड़ा भंडारा हुआ था, वो सब किया। बहुत से चमत्कार भगवान ने किए, स्वयं भगवान आते थे उनका करने के लिए। तो ऐसे नरसिंह मेहता जैसे अन्य कई भक्त हुए हैं जिनका भगवान सब कुछ किया है। हमें केवल भगवान का अनन्य हो जाना है, उनके चरणों का अनन्य हो जाना है, और कोई कामना नहीं। बस केवल श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण को सुख देना, यह हमारी कामना होनी चाहिए। तो आपका हर काम पूरा होगा, आपका हर काम पूरा होगा, अर्थात सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपका मन भगवान में होना चाहिए। आपको इसकी लालसा नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। या तो शरीर की कुछ इच्छा है जिसकी पूर्ति तो हमें करनी है, भोजन तो डालना है इसमें शरीर में, हमें थोड़ा आसन वो आराम तो करना है, लेटना है, सब कुछ करना है, हमें अपने परिवार को भी चलाना है, तो भगवान उसी को पूरा करते हैं। आसक्ति आपकी भगवान के चरणों में होनी चाहिए, मुख्य बात यही है। आपकी आसक्ति इन भोग्य पदार्थों को पाने में, शरीर संबंधियों के संरक्षण में नहीं होनी चाहिए। या तो आपका कर्तव्य है जो कि आप भगवत कर्म करके आप कर रहे हैं, इसको भगवत अर्पित करके भगवत कर्म बनाकर कर रहे हैं, तो आपको भगवान से आसक्ति, भगवान से प्रेम करना है। अतः आज के सत्संग के बाद जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई
सोई करे प्यारे भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारे मोको तो भावती ठार प्यारे के ननने में मोको तो भावती ठार प्यारे के ननने में प्यारे भए चाहे मेरे ननने के तारे मेरे तन मन प्राण ते प्रीतम प्रिय मेरे तन मन प्राण ते प्रीतम प्रिय अपने कोटिक प्राण प्रीतम सोहारे जय श्री हित हरिवंश हंस हंस निसावल गौर कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे।